और ये बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं बांदा की खबर, जहां पर पटाखा को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट तक हो गई। चार लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका का मामला है। उधर आपको बताएं कि बागपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी को पद से हटाया गया है। पार्टी की छवि खराब करने पर प्रदेश अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। दरअसल महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय अजय राय ने ये कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। हालांकि इस मामले में लड़की ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। डॉक्टर यूनुस चौधरी ने साल 2002 में बरनावा विधानसभा से चुनाव लड़ा और साल 2022 में छपरौली विधानसभा का चुनाव लड़ा। दोनों ही बार चुनाव में पार्टी की बुरी हार रही। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर 50,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। दिलीपुर थाना क्षेत्र के शिवसत मोड़ से गिरफ्तारी हुई है। गेहूं से लदा हुआ ट्रक लूटने के मामले में फरार था। उधर आपको बताएंगे कानपुर में शिव मंदिर में पूजा करने को लेकर नसीम सोलंकी ने सफाई दी है। नसीम सोलंकी ने कहा है कि समर्थकों के कहने पर वो मंदिर गई थी। इसके अलावा नसीम सोलंकी फतवे पर कुछ भी बोलने से इनकार करती हैं। उन्होंने कहा है कि वो बुजुर्गों की बात का ख्याल रखेंगी। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए, तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं उनका जो है दर्द, तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, प्रत्याशी भी है सभा। हाँ हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई उनकी तो दीपावली थी। हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे, तो उनकी बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। खबर बलिया से है, जहां पर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसे इलाज के लिए मऊ रेफर किया गया है। उम्भाव थाना क्षेत्र के अथरौल गांव की वारदात है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के बाद लौट रहा था और इसी दौरान विवाद के चलते विपक्षियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सरकार की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमरोहा में बेईमानी नेता के बेटे का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। राइफल से हर्ष फायरिंग करते ये वीडियो वायरल हो रखा है। दिवाली की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र की घटना है। खबर मऊ से, जहां पर एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश दीपक पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। कोपागंज थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ।